चलिए जी, हैप्पी फिर भाग जाएगी की बात करते हैं दोस्तों। एंड एज पर माई प्रिडिक्शन एकदम सही अमाउंट आया है। मैंने आपको अपने प्रिडिक्शन में ही ये बात बता दी थी कि लगभग 4 करोड़ के आसपास फिल्म अपने दूसरे दिन कमाई करेगी, और ऐसा ही होता है। जो अमाउंट आया है सैटरडे का दोस्तों, वो इंक्रीज होकर आया है। आपको बता दूं, फ्राइडे के दिन फिल्म ने 2.70 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस किया था। हाँ ठीक है, कोई इतने बड़े स्टार्स नहीं है, लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट दर्शकों को पसंद आता है, और अपने दूसरे दिन फिल्म जंप मार देती है दोस्तों, ठीक डबल अमाउंट आता है। यानी कि अपने दूसरे दिन 4.03 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस करती है हैप्पी फिर भाग जाएगी। दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि फिल्म वन टाइम वॉच है, जरूर देखिए एक बार, और साथ ही साथ कॉमेडी के मामले में फिल्म एक अलग ही बेंचमार्क सेट करती है। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, इन तीनों को बेसिकली टारगेट किया गया है फिल्म के अंदर, और चाइनीज लोकेशन है, शंघाई की लोकेशन है, और दंगल के बारे में भी फिल्म के अंदर जिक्र किया गया है। सोनाक्षी सिन्हा को तारीफें मिल रही है, वहीं पीयूष मिश्रा जी और जिमी शेरगिल को भी लोग कह रहे हैं कि वाह क्या काम किया है दोनों ने। आपको बता दूं, टोटल मिला के 2 दिन के अंदर हैप्पी फिर भाग जाएगी ने 6.73 करोड़ का ट्रेमेंडस बिजनेस कर लिया है इंडियन बॉक्स ऑफिस में। लगभग 25 करोड़ की बनी है ये फिल्म, तो देखते हैं कि 25 करोड़ पार कर पाती है या नहीं। आपने फिल्म देखी कि नहीं, ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ ये भी बताइए दोस्तों कि आपको क्या कहना है कि टोटल कमाई कितना कर पाएगी इंडियन बॉक्स ऑफिस में। मैं चला और खबर लाने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, एंड हाँ, रक्षाबंधन की बधाई हो।